और यहाँ पे जो है लोगों के लाइट और पानी का जो कनेक्शन भी काट दिया गया है, कुछ लोग यहाँ पे बता रहे हैं। ये क्या है आपके हाथ में, क्या है? पानी का बिल है सर। पानी का बिल है? हाँ। तो ये क्या कनेक्शन कट कर दिया पानी का? बोलते हैं कि पानी का अभी पाइप काट दिया जाएगा। किसके नाम ये क्या पानी का बिल दिखा रहे हैं आप? हाँ। आपके नाम से है? हाँ जी, मेरे ही नाम। देखिए पानी का बिल भी है जो दिखा रहे हैं कि हम पानी का बिल भर रहे हैं, उसके बाद पानी का कनेक्शन क्यों काट दिया गया? लाइट भर रहे हैं तो लाइट का क्यों काट दिया गया? क्योंकि पानी का पाइप काट दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, पानी कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, तो इसके पहले फिर लाइट पानी की सुविधा क्यों दी गई थी? हाँ, इसके पहले सब पैसे मांगते हैं ना सर। अच्छा। पैसे मांगते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने आज 12 साल से रह रहा था तो यहाँ पे पानी आ रहा था, हर चीज़ सुविधा थी हमारे लिए, लाइट पानी की सुविधा थी। बाकी आज जब ये पीड़ित लोग धूप में बैठे लाचार लोग को जो है, आज अगर पानी की कनेक्शन क्यों काटा जा रहा है? हमने लाइट का बिल भरता हूँ, हमने पानी का बिल भरता हूँ, हमने सब कुछ करता हूँ, तो आज क्यों ये पीड़ित को जो है तकलीफ दिया जा रहा है? हाँ, काफ़ी पुराना बिल है सर। और ये 2019 का, एक मिनट का, 2018 है। इसमें आप देखेंगे 2018 का जो है इनका जो है कनेक्शन है, बिल के ऊपर जो है दिखा रहा है 2018, और तब से इनका जो है लाइट का कनेक्शन था और सारी चीज़ें थी, लेकिन कार्रवाई में जो है लाइट काट के जो है कार्रवाई की गई और पानी का भी कनेक्शन काट दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है, पानी पीने की, खाना बनाने की दिक्कत है और सारी चीज़ों की दिक्कत है आने जाने की। जो 3 ML कार्रवाई करने से पहले लाइट चालू रखेंगे तो किसी को शॉर्ट लगेगा, कुछ हो तो काटेंगे ही, लाइट काटने के बाद ही कार्रवाई करेंगे, लेकिन पानी का भी कनेक्शन काट दिया गया है। कहीं आप 3 फेज का केबल था, वो केबल भी हमारा काट के उठा ले गए लोग, मीटर सारी चीज़ें उठा के लेके गए, सारी चीज़ें हमारी जो है उठा ले गए हैं। हाँ सर, आप के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जल्द से जल्द ये पानी के लिए लाचार हैं बेचारे, धूप में तड़प रहे हैं, इनकी सेवा की जाए, कम से कम पानी का कनेक्शन जो है चालू कर दिया जाए, इनकी यह मांग है। कम से कम वो कम से कम पानी पी सके, शौचालय और बाथरूम नहा सके, सारी चीज़ें जो है कर सके। बाकी जो है अपने से ये लोग जाने के लिए यहाँ से तैयार नहीं है, ये लोग यहीं पर डटे पड़े हैं, अपने टूटे फूटे घरों में लोग बैठे हुए हैं। इसी के साथ मैं जय पांडे, PGN न्यूज़, भागोबा नगर, कारगिल से। जय पांडे, जय हिंद। Yeah.